पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता, सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल, या फिर इस बार होगा कोई कमाल, जीतेगा वही जिसे चाहेगी आवाम। एसटीवी न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। नमस्कार, एसटीवी न्यूज पर आप देख रहे हैं सत्ता का संग्राम और मैं हूं अंसारुल हक। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंच चुके हैं पूर्वी चंपारण के चिरैया विधानसभा क्षेत्र में। चिरैया विधानसभा क्षेत्र जो कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बेहद दिलचस्प लड़ाई यहाँ की हो गई है, हॉट सीट इसे माना जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज जो है यहाँ से अपना चुनावी भविष्य आजमा रहे हैं। तो ऐसे में महागठबंधन ने जिन पर इस बार इस सीट पर भरोसा जताया है वो हैं अच्छेलाल प्रसाद यादव। तो अच्छेलाल प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो सीधे उनसे बात करते हैं। अच्छेलाल जी बहुत बहुत स्वागत है एसटीवी न्यूज़ पर। जी आपका भी। अच्छेलाल जी, बड़ी कामयाबी आपको मिली है टिकट के रूप में अगर देखा जाए तो, बड़े बड़े दिग्गजों पर जो है आपको तरजीह दी गई है, क्या किया आपने? सबसे बड़ी चीज़ है कि ये तरजीह तो मेरा नहीं, जनता मालिक का है। जनता मालिक का प्यार उनके दिल के अंदर जो मेरा दिल बसा हुआ है उसी का परिणाम है कि आज हम इस जगह पर खड़े हैं। उसमें मेरा कोई योगदान नहीं, वो मेरे मालिकों का प्रेम मोहब्बत और आशीर्वाद का देन है। लेकिन अब तो वो लोग जो है विद्रोह पे उतर आए हैं, बागी तेवर अख्तियार करते हुए जो है निर्दलीय प्रत्याशी बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होता नहीं दिख रहा है उनसे? जिसका रखवाला खुद मालिक हो उसका नुकसान क्या होगा। मुझे तो टिकट जनता मालिक ने दिया, जीत सुनिश्चित करने का काम हमारे जनता मालिक ही कर रहे हैं। जनता मालिक का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। मैं नहीं जानता कि कौन नेता आए हैं कौन नेता गए हैं, नहीं मेरे मुझे किसी नेता से लड़ाई है, नहीं मेरे मुझे किसी नेता की भय है, क्योंकि मुझे 100% जनता मालिक का आशीर्वाद प्राप्त है। जब उनकी आशीर्वाद प्राप्त है तो हम नेताओं की बात क्यों करें। क्या मुद्दे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में, जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? पहली तो मेरी बात है, हमारे जनता एक चीज़ के लिए बड़ी ललायत है। हमारे मालिक कहते हैं कि वोट लेने के लिए तो सब लोग आते हैं, वोट जब दे देते हैं तो जाकर पटना बैठ जाते हैं, कभी हम लोगों के बीच रहे ही नहीं, कभी हमारे दुख दर्द को पूछने का काम नहीं किया, नहीं हमें कभी सम्मान दिया। मैंने अपने मालिकों से वादा किया कि मैं आपके बीच रहूँगा, आपको सम्मान दूँगा। बाकी रहा विधानसभा के बारे में, तो मैं विकसित विधानसभा बनाने का प्रण किया हूँ, विकसित विधानसभा बनाऊँगा। सारे रोड संबंधी, रोजगार संबंधी जो भी समस्याएँ मेरे विधानसभा का है, मैं उस समस्याओं का समाधान करूँगा। इसी आधार पर जनता मालिक मुझ पर विश्वास करते हुए मुझे आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। चिरैया विधानसभा क्षेत्र की कुछ समस्याएं आपके जहन में हैं जिनका आप निवारण करेंगे? चिरैया विधानसभा की समस्या तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या सड़कों की समस्या है। जो कुछ ऐसे गांव है जहां अगर एक बारिश हो जाए तो वहां के अगर किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो पेशेंट हमारे गाँव ही रह जाएंगे, डॉक्टर तक नहीं पहुँच सकते हैं। जैसे आपका सगरदीना गाँव हुआ, दीपही धरारवा गांव हुआ, चिरैया से पुरनहिया तक की रास्ता हुई। एक गांव में कल हम गए थे मोहम्मदपुर मोते थी पताही प्रखंड में, अगर हम जिस तरह गांव में टप रहे थे बांस होकर, पैर फिसलता तो हम डूब जाते उस गढ़ा में, वो रोड गढ़ा बन गया था। यही तो परिस्थिति है मेरे विधानसभा की। मैं उस सारे चीज़ का समाधान करने का प्रण किया हूँ। मेरे विधानसभा में पैर में ठेस लगने के लिए मालिकों के लिए नहीं रहने दूंगा। मैं सौंदर्यीकरण हर गांव हर वार्ड का करूंगा। मेरे विधानसभा को विकसित विधानसभा बनाने के बाद ही दम लेने का काम करूंगा। आपकी लड़ाई बड़े बड़े दिग्गजों से है, यहाँ पे बहुत हॉट सीट बन गया है। अवनीश सिंह भी अपनी भाग आजमा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण यादव जी भी जो है कूद चुके हैं मैदान में, और NDA के जो है उम्मीदवार तो हैं ही साथ साथ। तो आप इन सब को परिस्थितियों को देखते हुए अपना मुकाबला किससे देख रहे हैं? हमारी मुकाबला तो किसी से है नहीं। जिनको आप दिग्गज कह रहे हैं वो हमारे गार्जियन हैं,
हमारे बड़े भाई है, वो सब लोगों का आशीर्वाद तो मुझे ही प्राप्त है, तो हमको लड़ाई कहाँ किसी से है। तो ये सब लोगों का आशीर्वाद है आपको, तो फिर तो चुनावी रणभूमि में तो आप लोग एक दूसरे को कर रहे हैं ना कटाक्ष। आप जानते हैं कि परमात्मा तो दंड भी देते हैं, परमात्मा मुकाम भी देते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो हमारे भाई लड़ाई के साथ साथ मेरा सहयोग कर रहे हैं, मेरे सारों गार्जियनों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, इसलिए लड़ाई तो करेंगे लेकिन आशीर्वाद हमारे साथ होगा। बड़े दिलचस्प प्रत्याशी हैं अच्छलाल जी, अपने जो विरोधी हैं उन्होंने भी अपना अभिभावक मान रहे हैं और सीधे तौर पे कोई कटाक्ष करने से बच रहे हैं। लेकिन अच्छलाल जी आप ये बताएं कि जो है आपके चिरैया विधानसभा क्षेत्र जो कि एक जो आपने कहा फ्लड से प्रभावित इलाका रहता है, सगरदीना और सेमरा इन तमाम क्षेत्रों की आपने बात की, तो उसके लिए आपके पास क्या मॉड्यूल है, किस तरह से आप उन समस्याओं का निवारण करेंगे? देखिए फ्लड प्रतिवर्ष तो आना है लेकिन सरकार 15 वर्ष में इसकी व्यवस्था नहीं कर पाई। फ्लड से मुक्ति दिलाने के लिए पहले जिस नदी से फ्लड का आवागमन होता है उस नदी से पानी के बहाव जो अवरोधात्मक स्थिति बनाता होता है उसको अवरोधात्मक स्थिति को समाप्त करना होगा। हम डायरेक्टली फ्लड को समाप्त करने के लिए नदी से पानी के बहाव को तीव्र गति से आगे बढ़ाते रहेंगे, पहले तो हमारी फ्लड का समस्या समाधान हो जाएगा। फ्लड के बाद हमारी रास्ता की बहुत परिस्थिति हो जाती है, हमें रास्ता को कंप्लीट कर देना होगा जिससे हमारे लोग फ्लड से बचे। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तो हमारे लोग फ्लड से परेशान हो जाते हैं, उनके सारे क्षति फसल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, सरकार अपने नियम कानून की बातें बनाकर अपने आवाम को अपने किसान को जनता मालिकों को फ्लड के बदले उनके नुकसान के एवज में सहयोग देने का काम नहीं करती। हमारे लोग पूर्ण परेशान हैं। मैं वादा करता हूं अपने जनता मालिकों से फ्लड से मुक्ति दिलाने का भी व्यवस्था करूंगा। खुदा नकास्ते फ्लड आ गया तो सहयोग मैं अपने सरकार से लड़कर अनशन धरना पर बैठकर मैंने अपने जनता मालिक हुक हकूक की लड़ाई के लिए अपने जनता मालिक को सहायता दिलाने का काम करूंगा। यह मेरा वादा है अपने जनता मालिकों से। लेकिन अच्छलाल जी समस्या ये है कि जनता से जितने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, आपके यहाँ से तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, सारे लोग जनता से यही वादे करते हैं, तो क्या गारंटी है कि जो है आप अपने उम्मीदों पर, जो जनता की उम्मीदें हैं उस पर खड़े उतरेंगे? मैं तो जनता मालिक को कहता हूँ कि आज जो आप सवाल पूछ रहे हैं सब लोग जवाब एक ही देंगे जो मैं देता हूँ। इंतजार करें उस दिन का, 10 तारीख के बाद आने वाला दिन। आज विशेष कुछ कहकर भी बता देंगे उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं, लेकिन आशा एवं विश्वास रखे कि आज तक के राजनीतिक काल में जो मैं करते आया हूँ मुखिया से प्रमुख तक पहुँचने में, जो मान सम्मान जनता को दिया, जनता के बीच रहने का काम किया, हमें ऊपर वाले पर भी भरोसा है कि मुझ में परिवर्तन नहीं करेंगे और जनता मालिक जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं उनके आशा के विपरीत हम नहीं जाएंगे, वोट देने का अफसोस उनको नहीं होने देंगे। यह मेरी अपनी विश्वास है। आपके जो विरोधी हैं वो लोग आरोप लगाते हैं कि अच्छलाल जी उतने मजबूत लीडर नहीं है जिस चिरैया विधानसभा सीट के लिए जो उन्हें टिकट दिया गया है, कि वो लोग जो है बहुत लंबे समय से पार्टी की सेवा किए हैं तो टिकट उन्हें मिलना चाहिए था, तो आपका जो है स्ट्रेंथ जो है उतना नहीं है इस विधानसभा सीट पर, इसलिए वो लोग एक इस तरह के कटाक्ष करते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है पत्रकार बंधु, जिसका मालिक ही उसके साथ हो, जिसका जनता कोई स्टैंड वाला लीडर नहीं होते, किसी लीडर में कुछ नहीं होता, लीडर का शक्ति तो उनका मालिक है, जिसके साथ मालिक का करवा चल रहा है, मालिक का जनसैलाब है, उनके ताकत की बात क्या करते हैं, सारा ताकत तो हमारे मालिक में है। जब मालिक का आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं बड़े और छोटे लीडर की बात नहीं करता, मैं अपने बालकों की आशीर्वाद का बात करता हूँ। मुझे जब मालिक का आशीर्वाद प्राप्त है तो आप छोटे बड़े की दर्जा समाप्त कर दिया जाए, मालिक का आशीर्वाद मेरे साथ है तो जीत भी मेरी सुनिश्चित है, इसे कहीं दो मत नहीं। तेजस्वी यादव को आप मालिक के रूप में देख रहे हैं? मालिक मैं जनता मालिक को बोल रहा हूँ, तेजस्वी जी का मालिक जनता मालिक है, 12 करोड़ जनता मालिकों का वो सेवक हैं। तेजस्वी जी कभी बिहार के मालिक नहीं हो सकते, वो अपने जनता के सेवक हैं।
और मैं भी अपने चिरैया विधानसभा क्षेत्र का सेवक हूँ। मैं नेता नहीं, मैं बेटा हूँ, मैं विधायक नहीं, मैं सेवक हूँ। आज तक मैंने सेवा करते आया है और कल तक सेवा करने का वादा किया है। इसलिए बड़े और छोटे की बात नहीं, कदावर नेता की बात नहीं, मालिकों की बात है। जनता मालिक जिसके साथ हो उनकी नेतृत्व के बारे में पूछना ही क्या है। आपका जो क्षेत्र है पताही क्षेत्र की अगर हम बात करें, पदुमकेर या इन सब इलाकों में जो है अपराध भी एक बड़ी समस्या है, इसे आप कैसे दूर करेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है जनता मालिक का आशीर्वाद तो प्राप्त है। मैं जगह पर गया तो मैं अपराध विरोधी हूँ। अपराधी मेरे दोस्त नहीं हो सकते, असहाय को दुख कोई नहीं पहुँचा सकते। यह विधानसभा अपराध मुक्त विधानसभा होगा, इसकी गारंटी है। मैंने अपने आवाम की सुरक्षा के लिए, अपने आवाम को अमन चैन शांति देने के लिए मैं अपना कुर्बानी दे सकता हूं। मेरे जिंदा रहते हुए मेरा आवाम असुरक्षित नहीं रह सकता, इसकी गारंटी है मेरे साथ। आखिर में जब आप अगर विधायक चुने जाते हैं इस विधानसभा सीट से, तो पहला आपका जो है काम क्या होगा, ये क्या कहना चाहेंगे आप? पहला काम तो आप भी जानते हैं, जो मालिक ने उस जगह पर भेजा उस मालिक को अमन चैन शांति होना चाहिए। पहला कदम रहेगा कि अमन चैन शांति समाजवाद स्थापित, उसके बाद हम आर्थिक मजबूती के लिए आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, अपने बच्चों को बेरोजगार मुक्त कराएंगे, उसको रोजगार दिलाने का काम करेंगे। छोटे बच्चे जिन पर यह देश या राज्य आधारित है उनके भविष्य के लिए शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छा करेंगे, जो हमारे गरीब परिवार के बूढ़े बच्चे जिनकी तबीयत खराब हो वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ही ठीक हो जाए, उनकी व्यवस्था को हम मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन 15 साल मौका मिला था राजद को, उस पीरियड में ये विपक्षी जो आपके हैं वो आरोप लगाते हैं कि जो है जंगल राज बना दिया गया था। 15 साल जो मौका मिला था, मंगल राज को जंगल का दर्जा दिया गया। आप जानते हैं जिस समय लालू जी आए थे उस समय क्या स्थिति थी मेरे जनता मालिकों का, बैठने के लिए सही जगह नहीं दिया जाता था, उनके पास आवाज़ नहीं था, ब्लॉक तक पहुँच कर पदाधिकारियों के पास अपनी बात नहीं रख पाते थे। हमारे लालू जी को 15 साल का जो समय बीता, उन्होंने इस गरीबों को अपनी आवाज़ बुलंद करने का ताकत दिया, श्वास के साथ इन्होंने इनके अधिकार को पहचानने का ताकत दिया, सामाजिक न्याय का स्थापित किया, समाजवाद स्थापित किया। पूछिए मेरे जनता मालिक से कि जो लालू जी के रीजन से पहले का रीजन क्या था। लालू जी ने तो सामाजिक न्याय स्थापित करके चले गए, 15 साल में नीतीश बाबू सही नहीं कर पाए। उन्होंने सामंती ताकतों के गोदी में जाकर बिहार की स्थिति को तो चरमरा दिया। पहले तो ठीक थे लेकिन सामंती ताकत ने उनकी स्थिति को चरमरा। एक मुद्दे पे आते हैं जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी ने भी जो है 19 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। बीजेपी की बात क्या करते हैं भाई, बीजेपी तो जुमला का एगो बहुत बड़ा खजाना है और ठेकेदार भी है। 2014 में बीजेपी ने कहा था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देंगे, बताइए तो भाई नौकरी मिला कि नौकरियों को निजीकरण कर दिया। जो नौकरी में था वो भी नौकरी से बाहर हो गए, वो जुमलेबाज के तहत। उन्होंने ये भी तो कहा था कि पर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, बताइए तो किसी भाई के खाते में पैसा गया है? तो जुमला की बात करते हैं, जनता उनको समझ चुकी है, उन जुमले के फेर में जनता पड़ने वाली नहीं है। अपनी बार महागठबंधन का सरकार बनने वाला है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और नई सोच का नया बिहार बनेगा, युवाओं का सरकार होगा, युवाओं का कल्याण होगा। अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? हम अपनी जीत के प्रति मेरे जनता मालिक 100% आश्वस्त है। तो जब जनता मालिक ही आश्वस्त है तो मैं भी आश्वस्त हूँ, जीत तो उनको कराना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
तो ये थे अच्छेलाल प्रसाद यादव, चिरैया विधानसभा सीट के महागठबंधन के उम्मीदवार, जिनसे हम बात कर रहे थे और ये इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या विज़न है इनका, इनके जहन में क्या मुद्दे हैं। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता, सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल, या फिर इस बार होगा कोई कमाल, जीतेगा वही जिसे चाहेगी आवाम। एसटीवी न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज।